धोनी के साथ खेला था वर्ल्ड कप। अब इस खिलाड़ी को सीएसके ने करोड़ों में खरीदा। 7 साल पहले टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पीयूष चावला को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने आईपीएल नीलामी में खरीदा है। पीयूष चावला 2011 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे। पीयूष चावला को इस सीजन में धोनी ने अपनी टीम में शामिल किया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी में भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ऊंची बोली पाने वाले लेग स्पिनर पीयूष चावला ने कहा, सीएसके से बेहतर कोई टीम और महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोई कप्तान नहीं हो सकता। चेन्नई सुपर किंग्स ने चावला के लिए 6.75 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चावला लंबे समय के कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की टीम में थे, लेकिन पिछले महीने फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। चावला ने अपने गृह नगर मुरादाबाद से कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर आप हमेशा एक अच्छी टीम के साथ रहना चाहते हैं, एक अच्छे कप्तान के नेतृत्व में खेलना चाहते हैं। इस लेग स्पिनर ने कहा, इस मामले में आपके पास चेन्नई से बेहतर कोई और टीम और माही भाई धोनी से बेहतर कप्तान नहीं हो सकता। मैं इससे ज़्यादा से बारे में नहीं सोच सकता। चावला 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्होंने भारत के लिए 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 T20 खेले हैं। चावला ने दिसंबर 2012 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। चेन्नई की टीम में हरभजन सिंह, इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनरों की मौजूदगी में चावला को अंतिम 11 में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके मुरली विजय 2 करोड़, अंबित रायडू 2.20 करोड़, सुरेश रैना 11 करोड़, एमएस धोनी 15 करोड़, केदार जाधवा 7.80 करोड़, हरभजन सिंह 2 करोड़, फाफ डू प्लेसिस 1.60 करोड़, ऋतुराज गायकवाड़ 20 लाख, रविंद्र जडेजा 7 करोड़, सेन वॉटसन 4 करोड़, कर्ण शर्मा 5 करोड़, मिशेल सैटनर 50 लाख, ड्वेन ब्रावो 6.40 करोड़, नारायण जगदीशन 20 लाख, केएम ऑफिस 40 लाख, मोनू कुमार 20 लाख, लुंगी नागीदी 50 लाख, इमरान ताहिर 1 करोड़, दीपक चाहर 80 लाख, शार्दुल ठाकुर 2.60 करोड़। नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी पीयूष चावला 6.75 करोड़, सैम करन 5.5 करोड़, जॉस हेजलवुड 2 करोड़, आर साई किशोर 20 लाख।